पार्टी की हड़बड़ी साफ दिखाई देती है और ये अगर वोटर को अच्छी तरीके से दिख रही है तो संकट के बादल है। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार लोकसभा के लिए किस्मत आजमा रही मीनाक्षी का दावा है कि आम आदमी पार्टी की असलियत से दिल्ली के लोग वाकिफ हो चुके हैं। तेज तर्रार बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी की चुनावी सवारी नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में वोटरों की नब्ज टटोल रही है। वैसे तो बोलने में माहिर हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा भाषण देने से गला बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कैसा हो, गला बैठ गया है आपका, सुबह से ही निकलती होगी, कितना मुश्किल लगता है। नहीं, मुश्किल से ज्यादा अब एक मशीन का कितना इस्तेमाल हो रहा है वो पता चलता है। दिल्ली में बस 10 दिन है चुनाव प्रचार के और अभी बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ सुनना बाकी है। मीनाक्षी आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही हैं, कह रही हैं दिल्ली में अब आपकी नहीं मोदी की हवा है। तीन तरह की लहरों की बात हो रही है, कांग्रेस विरोधी लहर है, मोदी की लहर है और आम आदमी पार्टी की लहर है, आपको कौन सी लहर लगती है? आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने मफलर उतार दिया क्या कि उनको हवा जो है लगने लगी कि लहर किसकी है। लहर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की है और किसी की लहर नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी, आपकी उम्मीदवार गांधी 10 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है। जगह जगह कार्यकर्ता तैनात हैं, राह ताक रहे हैं। पहाड़गंज में कार्यकर्ताओं का बड़ा जत्था और इंतजाम भी बड़ा था। इस सियासी दंगल में हमने कुछ असहज सवाल दागे तो मीनाक्षी ने चुनाव प्रचार का हवाला देकर सवालों से कन्नी काट ली। साबिर अली पे क्या कहेंगे? मेरे को आजकल अपनी पदयात्राओं से और उससे होश ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है बाकी चीजें क्या हो रही हैं। नई दिल्ली बस लुटियन जोन भर नहीं है, ऐसी तंग गलियां भी हैं जहां से गुजरते हुए बीजेपी नेता असहज भी हुई और थोड़ी हैरान भी। कोशिश जनता से उनके हालात पर सवाल करने की भी की। और ये नल चलता है? आपका एक एक वोट बहुत बाकी घरों में है। ज्यादा घरों में नहीं है, कम आता है पानी। आओ बाहर को, आओ ना, आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ वो बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, मैं बात छोटी बहन है तो बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ। नेता आते हैं, हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अब इसकी आदत हो गई है, इसलिए इन्हें ये सब नाटक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। भट्टे लग रहे हैं जगह जगह, कोई आता है कोई नहीं आता, बस वोट लेने आते हैं या सिर्फ कोई काम करने नहीं आते हैं। बाद में कोई भी नहीं आता, ये नहीं कोई भी नहीं आता, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, कोई नहीं आता मैडम, कोई नहीं आता। खास बात ये कि नई दिल्ली से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, फेसबुक और ट्विटर पर भी इनकी जंग जारी है। बीजेपी जानती है कि ये दिल्ली है और यहाँ के वोटरों को साधने के लिए सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है। बॉलीवुड का एक गाना है, ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा कोई लौट के आया है। हालांकि लिखा फिल्म के लिए गया था, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव भी कम फिल्मी नहीं होते, यहाँ ढोल भी बजने लगे हैं, इलाके भी सजने लगे हैं और नेता 5 साल बाद लौट के फिर आने भी लगे हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।